अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गारेज किचन। आज मैं चिकन अचार ही बनाने जा रही हूँ। चलिए बनाना शुरू करते हैं। ये देखिए, 1 किलो चिकन लिया मैंने। इसको अच्छे से धोकर रखेंगे और आधा नींबू जाएगा इसके अंदर। 2 बड़े प्याज का मैंने पेस्ट बना के लिया है। 3 टमाटर को भी पीस कर लेंगे बारीक, बिना पानी के पीसेंगे प्याज और टमाटर। 150 ग्राम दही लगेगा। 1 टेबल स्पून मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून जीरा है और ये 1/2 चम्मच से भी कम 1/4 टीस्पून मेथी दाना है। नमक स्वाद अनुसार लेंगे। कलौंजी है 1/2 टीस्पून। मेथी दाना हम लोग कम यूज़ करेंगे, नहीं तो कड़वा टेस्ट आएगा। 1 टेबल स्पून भर के मैंने अखा धनिया लिया है। 1 टीस्पून भर के सौंफ है, बड़ी सौंफ, और 2 टीस्पून हरा मसाला, अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट, और ये सूखी हुई लाल मिर्ची 5 ली मैंने। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लो, तीखा आपको ज़्यादा पसंद है तो तीखा ले सकते हैं। ये तीखी वाली नहीं है मिर्ची, और ये थोड़ा तीखा चटपटा बनता है खट्टा, लेकिन मैं आधा ही नींबू यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हम लोग ज़्यादा खट्टा नहीं खाते। आप चाहे तो 1 नींबू भी डाल सकते हैं। अभी हम लोग के मसाले, अचारी मसाले के मसाला अच्छे से भून कर लेंगे और उसको पीस कर लेंगे। ये देखिए, एक पैन मैंने गरम होने रखा है, इसमें धनिया डालेंगे, सौंफ डालेंगे, जीरा डालेंगे और ये मिर्ची डालेंगे। इसको ज़्यादा नहीं भुनना है, हल्का भुनेंगे थोड़ी सी खुशबू आने तक। ये थोड़ा सा भुन जाएगा तो हम लोग कलौंजी और मेथी भी इसमें डालेंगे और दरदरा पीसना है इसको, बारीक पाउडर नहीं बनाएंगे। इसको थोड़ा भुनने देते हैं। इसमें से खुशबू आना शुरू हो गई। अब इसमें मेथी दाना डालेंगे और कलौंजी डालेंगे और इसको थोड़ा सा मिक्स करके लेंगे। ये हो चुका है, गैस बंद करेंगे और इसको ठंडा होने के बाद मिक्सर में अच्छे से पीस कर लेते हैं। ये देखिए, मैंने मसाला पीस कर लिया है, आप देख सकते हैं मैंने मोटा मोटा ही पीसा है, एकदम बारीक नहीं करेंगे और बहुत अच्छी खुशबू आ रही इसमें से। और ये गरम मसाला मैं बताना भूल गई थी, 1/2 टीस्पून लेना है। अभी चिकन को हम लोग सारे मसाले लगा कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग इसमें नींबू डालेंगे। अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट डालेंगे। नमक डालेंगे, हल्दी पाउडर और ये जो मसाला हमने तैयार किया था वो डालेंगे और दही डालेंगे। लाल मिर्ची हम लोग बाद में डालेंगे, गरम मसाला और लाल मिर्ची जो पाउडर ली है मैंने लाल मिर्ची की, वो बाद में डालेंगे। ये बहुत अच्छा टेस्टी बनता है अचारी चिकन, सब लोग अलग अलग तरीके से बनाते हैं। ये मेरी रेसिपी है, मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। अभी सारी चीज़ें हम लोग अच्छे से मिक्स करके लेंगे। अच्छे से मिक्स होने के बाद इसको 10 मिनट रखेंगे मैरिनेट होने के लिए। ज़्यादा टाइम रखने की इसको ज़रूरत नहीं है, ये फटाफट बनता है। ये अच्छे से मिक्स हो गया, इसको 10 मिनट के लिए मैं छोड़ूंगी। ये देखिए, कढ़ाई में मैंने 4 बड़े चम्मच तेल डाला है। इसको तेल थोड़ा ज़्यादा लगता है, तेल गर्म हो गया। अब इसके अंदर हम लोग प्याज डालेंगे। प्याज के छींटे उड़ते हैं, इसके लिए मैंने ढक्कन रखा है और प्याज को अच्छे से 2 से 3 मिनट भून कर लेंगे हाई फ्लेम पे। फिर इसके अंदर हम लोग टमाटर डालेंगे और टमाटर को भी अच्छे भून कर लेना है, इसकी कच्ची भू जाना चाहिए। तो प्याज का कलर चेंज होने तक अच्छे से हम लोग भून कर लेते हैं। ये देखिए, प्याज का कलर चेंज हो गया और इसका जो भी पानी था वो भी सूख गया है, खुश्क हो गया अच्छे से। अब इसके अंदर हम लोग टमाटर प्यूरी डालेंगे
इसको भी अच्छे से भून कर लेंगे प्याज के साथ एक दो तीन मिनट के लिए। फिर इसके अंदर मिर्ची पाउडर डालते हैं, इसको अभी अच्छे से पकने देंगे। प्याज और टमाटर देखिए अच्छे से भून चुका है, मैंने हाई फ्लेम पे इसको अच्छे से भून कर लिया है, इसकी कच्ची बू चली गई है। अब इसके अंदर हम लोग मिर्ची पाउडर डालेंगे। इसमें मिर्ची पाउडर भूनने से ग्रेवी का कलर एकदम अच्छा आएगा। अब इसको भी एक मिनट हम लोग अच्छे से भून कर लेंगे, देखिए कितना अच्छा कलर आया है। अरे अच्छे से अब भून चुका है, अब इसके अंदर मैं चिकन ऐड करूँगी। ये देखिए मैंने चिकन डाल दिया है, अब इसको अच्छे से मिक्स करके इसको भी हम लोग अच्छे से हाई फ्लेम पे भून कर लेंगे। सारा मसाला इसमें डालेंगे, गैस का फ्लेम अभी तक हाई है और इसको हाई फ्लेम पे अच्छे से टमाटर और प्याज की ग्रेवी के साथ भून कर लेना है। फिर थोड़ा सा पानी डाल के हम लोग पकने छोड़ेंगे इसको, पहले 5 मिनट हम लोग इसको अच्छे से भून कर लेते हैं। ये देखिए इसको भूनते हुए 5 से 6 मिनट हो गए, चिकन ने पानी रिलीज किया है, दही का चिकन का पानी है, मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला इसमें, मैंने अच्छे से इसको भून कर लिया है। और मेरी कढ़ाई छोटी पड़ रही थी इसके लिए मैंने चेंज कर दिए। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप पानी डालो इसमें, मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी। ये देखिए जो मसाला बचा था उसमें से थोड़ा सा पानी डालेंगे, ये ज़्यादा ग्रेवी वाला नहीं रहता है। और जब ये चिकन अच्छे से पक जाएगा तो थोड़ा इसका अच्छे से हम लोग इसको थोड़ा ड्राई करके लेंगे। अब इसके अंदर मैं ये हरी मिर्ची डालूँगी, 3 गरम मसाला पाउडर डालेंगे और इसको मिक्स करके ढक्कन डालकर और 5 मिनट इसको अच्छे से पका कर लेंगे। चिकन अच्छे से गलना चाहिए। अब 5 मिनट के लिए मैं इसको छोड़ूंगी। ये देखिए हमारी चिकन अच्छे से पक चुकी है और बहुत अच्छा कलर आया, आप देख सकते हैं। मैं ये गाढ़ी गाढ़ी एकदम ग्रेवी बना रही हूँ। अब इसके अंदर हरा धनिया डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। एक 2 मिनट इसको अभी हाई फ्लेम पे पका कर लेंगे और फिर गैस बंद कर देंगे। ये देखिए इसको पकते हुए 2 मिनट हो गए, अब गैस बंद करूंगी और इसको मैं सर्व करूंगी। ये देखिए हमारा मज़ेदार टेस्टी आचारी चिकन बनके तैयार है, आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार दिख रहा है और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। इसको रोटी के साथ, चावल के साथ भी खा सकते हैं, ये तंदूरी रोटी के साथ बहुत टेस्टी लगता है। आप लोग ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। अल्लाह हाफिज़।